कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। कृपया जरा शांत रहा। आज उल्हासनगर महापालिकेच्या वतीने आयोजित विविध विकास कामांचे लोकार्पण व पाहणी समारंभासाठी माननीय नामदार श्री अजितदादा पवार साहेब उपमुख्यमंत्री आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत। सन्माननीय खासदार श्री सुनीलजी तटकरे साहेब आपल्या भागातील या ठिकाणी उपस्थित आहेत। महेश भाऊ या ठिकाणी माजी खासदार माननीय आनंद परांजपे साहेब उपस्थित आहेत। प्रमोद हिंदूराव साहेब जे सिडकोचे अध्यक्ष होते ते उपस्थित आहेत। धामे मॅडम, भरत राजवाणी, सर्व उपस्थित सर्व पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, मीडियाचे प्रतिनिधी आणि सर्व उपस्थितांनो, उल्हासनगर महापालिकेच्या क्षेत्रातील विविध 17 विकास कामांना माननीय 2020 मध्ये माननीय नामदार श्री अजितदादा पवार साहेब उपमुख्यमंत्री यांनी त्याचे 17 कामों को माननीय अजितदादा पवार साहेब उपमुख्यमंत्री इन्होंने 2020 में 24.90 करोड़ यानी 25 करोड़। तटकरे जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधिमंडल के मेरे सहकारी डॉक्टर बालाजी किणीकर जी, गणपत गायकवाड़ जी, कुमार ऐलानी जी, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आनंद परांजपे जी, नजीब मुल्ला जी, प्रमोद हिंदूराव जी, अपने उल्लासनगर के कमिश्नर, कॉरपोरेशन के अजीत शेख, दूसरे डिप्टी कमिश्नर अशोक नायकोडे, हमारे यहाँ के साथी भरत राजवानी, सोनिया जी धामी, सुनीता बगाड़े, पूजा लवाना, यहाँ उपस्थित सभी पार्टियों के पदाधिकारी, यहाँ के नागरिक और भाइयों बहनों, हमारे मीडिया के सभी लोग, बहुत दिन मेरे पीछे भारत जी लगे थे, सोनिया जी लगे थे कि दादा हमें टाइम दे दो, हम उल्हासनगर में आपको बुलाना चाहते हैं। एक मेरे ख्याल से 2 साल पहले या 1.5 साल पहले, 3 साल पहले मैं उस गवर्नमेंट में डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के नाते काम कर रहा था, तब सब लोग मेरे पास आते थे और मुझे बोलते थे कि दादा यहाँ डेवलपमेंट के लिए हमें फंड्स चाहिए, यहाँ बहुत काम करने का काम करना बाकी है और ये काम करते वक्त उल्हासनगर के लोगों को बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। अभी अपने उल्हासनगर सिटी का प्रतिनिधित्व हमारे विधिमंडल में 3 MLAs करते हैं, एक तो गणपत जी गायकवाड़, दूसरे डॉक्टर बालाजी किणीकर जी और कुमार ऐलान जी। अभी सोनिया जी ने बात करते वक्त कुछ ना कुछ इशू यहाँ रखे, मैं अभी गणपत जी के साथ और डॉक्टर बालाजी के साथ बात कर रहा था, उन्होंने भी बताया कि दादा ये बहुत कुछ इशू है और ये इशू सॉल्व करने के लिए मंत्रालय लेवल पे कुछ मीटिंग होनी चाहिए। पहले तो आज अलग अलग काम देखने के लिए मैं उल्हासनगर में आया था, मैंने देखा यहाँ का गार्डन इतना कुछ बढ़िया गार्डन नहीं, क्योंकि अपने पास ओपन स्पेस बहुत कम है, लेकिन जो भी है वहाँ अच्छे से अच्छे गार्डन करने का पूरी कोशिश हमारे भारत जी ने की है, सोनिया जी ने की है, बाकी उनके सब साथियों ने की है। कुछ इशू अभी अपने कमिश्नर उल्हासनगर के कॉरपोरेशन के उन्होंने भी रखा कि ये हमारे अभी काम चालू है, ये काम पूरे हुए हैं, कुछ काम के लिए फंड्स भी चाहिए। अभी आते वक्त हम सब वहाँ से पैदल यहाँ आ रहे थे, तब मुझे कुमार ऐलानी ने भी बताया कि दादा आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी है, फाइनेंस मिनिस्टर भी है, प्लानिंग मिनिस्टर भी है, तो ये सब तीनों MLAs मुझे कह रहे थे कि हमें भी फंड्स चाहिए। मेरे ख्याल से मेरे जो मालूमात है उसी हिसाब से कल या परसों आपकी ठाणे डिस्ट्रिक्ट की
डीपीसी की मीटिंग है, उस मीटिंग में कुछ इशू मेरे अर्बन का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक भी रखेंगे और रूलर के भी विधायक रखेंगे। गार्डियन मिनिस्टर के नाते यहाँ शंभुराज देसाई ना, शंभुराज देसाई हमारे मिनिस्टर, वो उसका डिसीजन लेंगे। लेकिन प्लानिंग मेरे पास है और आगे वाले साल के लिए, आने वाले साल में मेरे ख्याल से पार्लियामेंट का भी चुनाव आने वाला है, अपना एमएलए का भी चुनाव आने वाला है, सबको काम करना पड़ेगा। इस दफा हमने कुछ पॉलिटिकल डिसीजन लिया है, मिस्टर प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, मैं खुद, धनंजय मुंडे, हसन मुश्रीफ, हमारे सभी साथियों ने करीबन एमएलए और एमएलसी पकड़ के 50 लोगों ने एनसीपी के डिसीजन लिया कि महायुति को सपोर्ट करना चाहिए। देश में बहुत अच्छी तरह से अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का विकास चालू है, देश का नाम पूरे वर्ल्ड में लोग व बाहर के लोग भी अच्छे तरह से लेने लगे हैं और अपने को एक बड़े एक अच्छे काम करने वाली कंट्री के नाते सब अपने कंट्रीज को देख रहे हैं। तो ये काम नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, ऐसा हम सब सोचते हैं। मैंने तो वही सोचा, हमने करीबन 9.5 साल उनका काम देखा है, हमारा इरादा है, हमारी कोशिश है, हम सब उसके पीछे लगे हैं कि आने वाले चुनाव में तीसरी दफा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने ही चाहिए। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।